यूपी में जिस तरीके से भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला और आंकड़े का बहुमत इतना था कि इतना बहुमत कभी बसपा या सपा को नहीं मिला, लिहाजा जो लोगों की उम्मीदें थी वो बीजेपी की सरकार से इतनी बढ़ गई कि शायद किसी और गवर्नमेंट से ना बढ़ी हो। लोगों ने बीजेपी से ये बात कही है कि हमने आपके इतने सारे विधायक विधानसभा में चुनकर भेजे हैं तो सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। अगर हम योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के मौजूदा सीएम हैं उनकी अगर हम बात करें तो उन्होंने भी दावे और वादे करने में किसी तरह की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने एक के बाद एक कड़े फैसले लेने शुरू कर दिए जिसके बाद योगी आदित्यनाथ की जो छवि थी वो और ज्यादा यहाँ पर बढ़ती चली गई। मीडिया ने भी उनको सर आंखों पर उठा लिया। तो आइए, योगी सरकार के अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं, हम जनता के बीच में आए हैं योगी सरकार के फैसलों का रियलिटी चेक करने के लिए और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है यूपी में 100 दिन पूरे होने के बाद लोगों की जो उम्मीदें थी क्या वास्तव में वो पूरी हो पाई है। देखिए, योगी सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। आपको लगता है कि 100 दिनों में जो योगी सरकार ने कहा था कि हम लोग अपराध का खात्मा कर देंगे, अपराधियों को जेल के अंदर पहुंचा देंगे, क्या वो हो पाया? देखो, सबसे बड़ा मुद्दा था कि हम कानून व्यवस्था इतनी बेहतर करेंगे और भ्रष्टाचार खत्म होगा। मैं समझता हूं कि ये 100 दिन वैसे बहुत कम समय होता है किसी भी सरकार के लिए, बड़ी ईमानदारी के साथ हमें चर्चा रखनी चाहिए। लेकिन ये तय है कि अपराध इतना बढ़ा कि ऐसा सोचने के लिए मजबूर हो गया कि पहली सरकारों को कहा जाता था कि अपराध में डूबी हुई हैं, लेकिन हम कंठ तक वो नहीं डूबी हैं, इस समय थाने कब्जों में नहीं है, थानों से बाहर जा चुका है और सरकार विफल हो गई है। करते हैं ये बताइए, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार को आप कितने नंबर देंगे? क्या वास्तव में कानून का राज स्थापित हो पाया यूपी में? देखिए, ऐसा है, कानून पे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हो पाया है। और रामनाथ कोविंद इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ। जो माननीय योगी जी ने बताया और शायद यही बात मैंने भी निवेदन की थी जो कैंपेन मैनेजर्स हैं, जब उन्होंने पूछा कि आपकी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हो, तो मैंने कहा कि मेरे लिए इससे और अधिक सुखद क्षण कोई नहीं होगा कि मेरी यात्रा उत्तर प्रदेश से प्रारंभ हो। मुझे लग रहा था कि शायद हम लोग इतने, और सचमुच में जब से ये सूचना मिली है, नामांकन हुआ है, उत्तर प्रदेश के लोग अति उत्साहित। मुझे लगा कि ये पिछले 3-4 दिनों में मैं प्रत्येक दिन लगभग 3,000 से 4,000 लोगों के बीच में प्रत्येक दिन ये क्रम चलता रहा। और जब मैं डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी से मिला, एक शिष्टाचार के नाते आदरणीय अडवाणी जी से मिला, अपने सर्वोच्च नेता परम आदरणीय अटल जी के, उनसे आशीर्वाद लेने गया, तो एक छोटी सी उस बात को, मित्रों, जब मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ था वो वर्ष था 1991, उस समय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, तो जब मैं उनके पास गया तो मैंने कहा, डॉक्टर साहब, मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। बाहर गेट पर खड़े थे, वो थे पति पत्नी थे, तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा, डॉक्टर साहब, मैं आपको आपका आशीर्वाद इसलिए लेने आया हूँ बिकॉज आई हैपन टू बी योर प्रोडक्ट। आप जिस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस समय भारतीय जनता पार्टी में एक नारा लगा करता था कि भारत की है 3 धरोहर, अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, आप उसके हिस्से हैं। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, कोविंद जी, वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण आज मेरे लिए ये बात है कि आज मैं जिस लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं उसके वहां से उस क्षेत्र के आप राष्ट्रपति होने जा रहे हैं और विशेष करके उत्तर प्रदेश के बाद। मैं भी बहुत इमोशनल हो गया, सच बात तो ये, लेकिन मैं आप सबको देख रहा था यहां पर, आप कितने सजग हैं। भूपेंद्र यादव जी ने जानबूझ करके कहा था कि अगला जो चुनाव होने वाला है, वोटिंग होने वाली है, वो 17 जून, लेकिन आप लोगों ने तुरंत टोक दिया, 17 जून में जुलाई। और यही सजगता आपकी, मुझे लगता है कि सुखद परिणाम लाएगी, यही सजगता आपकी चुनाव पर्यंत तक बनी रहे। किस प्रकार की, एक जिसका आदरणीय नितिन जी ने जिक्र किया, एक परिवार से, एक अपने प्रदेश से कितना लगाव होता है,
तो उसकी बात एक क्षण आपके संज्ञान में। मैं बिहार राज्य का राज्यपाल रहा पिछले एक साल आठ महीने। इस दौरान में कई उत्तर प्रदेश के नेता बिहार पटना राजधानी जाया करते थे और उनके फोन भी आते थे स्वाभाविक रूप से। एक सुखद संयोग में आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं, वो रीता बहुना जी का बैठी हुई है, ये गई एक बार, इनका फोन आया राजभवन में और इनकी कोई अपनी पार्टी की मीटिंग थी, स्वाभाविक है कांग्रेस में थी, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है, और संयोग से उस दिन मैं पटना में नहीं था, मैं बाहर गया था, लेकिन जैसे ही मैं आया तो मुझे पता लगा कि रीता बहुना जी का फोन आया था, आपसे मिलना चाहती थी, तो मैंने फोन किया। इन्होंने कहा कि मैंने कहा बहन जी मैं आ गया हूँ राजभवन, आप आ सकती हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई साहब मैं मेरी फ्लाइट है अभी 5 बजे की और इस समय 4:30 बजा है, मेरे लिए आना संभव नहीं होगा। तो मैंने कहा क्यों, तो इन्होंने कहा कि मैंने कहा मेरे लायक कोई काम था, उन्होंने कहा कोई काम नहीं था, केवल और केवल आप उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश हमारा प्रदेश है, वहां से राज्यपाल बनकर के आए हैं तो ये मेरा फर्ज भी बनता है और आप सबसे लगाव है और इसलिए मैं आपके पास केवल और शिष्टाचार के रूप में मुलाकात करना। इसका उद्देश्य भी आप समझ गए होंगे कि अपने प्रदेश का जो लगाव होता है, ये मैंने आपको एक सूक्ष्म एक संकेत भी दिया है कि आप कितना प्रयास कर सकते हैं, कि मैं तो चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश का मुझे हर मतदाता का वोट मिले, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है उसके लिए आप अपना वोट तो देंगे ही, आपका आशीर्वाद मुझे मिलेगा निश्चित रूप से, लेकिन इसके लिए भी यदि आप प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है आपके प्रयास में बहुत कुछ सफलता मिलेगी। मित्रों हम सब लोग जानते हैं वोट मांगने की प्रक्रिया से गुजर चुके हैं, आप भी गुजर रहे हैं, हम भी गुजरते रहे हैं अभी तक, और जिस घर में हम जाते हैं वोट मांगने, जब वो सबसे पहले कह देते हैं कि आप निश्चिंत होकर के अपना समय बर्बाद मत कीजिए, हमारे यहाँ आप जाइए, तो मुझे लगता है आज वही स्थिति आप सबके बीच की है। मैं तो केवल आप सबसे आशीर्वाद लेने आया हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के मैदान में वो उतरे हैं और सभी से जितने भी विधायक वहां पर मौजूद थे उनको वोट देने की अपील उन्होंने की और उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए उनका नाम आ गया है, इसके लिए वो सबके आभारी हैं और सबका आभार उन्होंने जताया। इससे पहले वहां पर आप देख सकते हैं दिनेश शर्मा मौजूद हैं, यूपी के उप मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ वहां पर मौजूद हैं, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यहां पर मौजूद हैं, तो तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो यहां पर मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका अभिवादन किया था।